मदन और केशव दोनों दोस्त थे। दोनों एक साथ लकड़ी काटने का काम करने जाते। यार मदन, इतने दिनों से हम दोनों लकड़ी काटने आते हैं, लेकिन मेरे घर का खर्च अच्छे से नहीं चलता। हाँ यार, ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं? आखिर ये हमारा काम है, इसे करना तो पड़ेगा ही। मदन, मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम शहर चलते हैं, शायद वहां हमारे लायक कुछ काम ही मिल जाए। कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन फिर हमारे गांव का काम? अरे मदन, हम हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, कुछ दिनों तक काम करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो कब चलोगे? हम शहर के लिए कल निकलेंगे, अभी हम घर चलते हैं। केशव और मदन दूसरे दिन शहर के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते मदन और केशव दोनों थक जाते हैं। केशव, मुझे नहीं लगता कि आज हम शहर पहुंच पाएंगे, और मैं तो चलते चलते थक गया हूँ, तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्यों, क्या कहते हो? हाँ मदन, थक तो मैं भी गया हूँ, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। मदन और केशव वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी केशव मदन से कहता है, यार मदन, मैं क्या सोच रहा था, अगर यह पेड़ जादुई होता तो कितना अच्छा होता, तो मैं इस पेड़ से बहुत सारा सोना चांदी हीरे मोती सब मांगता, और फिर हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बारे में तुम क्या कहते हो मदन? नहीं यार केशव, सब कुछ सोना चांदी मिलने से ही कुछ नहीं होता, मेहनत करने से ही जीवन का गुजारा होता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी दूसरा पेड़ बोलता है, नहीं, तुम लोग इसकी बात मत सुनना। केशव और मदन दोनों यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। पेड़, तुम क्या बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, और मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सोना चांदी हीरे ये सब कुछ दे सकता हूँ। नहीं, तुम लोग इस पेड़ की बात मत सुनो, ये पेड़ बुराई का पेड़ है, और मैं एक अच्छाई का पेड़ हूँ। अब तुम दोनों सोचो कि तुम्हें किसकी बात माननी है। केशव, ये दूसरा पेड़ सही कह रहा है, हमें इस पेड़ की बात मान लेनी चाहिए। मदन, मैं एक जादुई अच्छाई का पेड़ हूँ, मैं तुम्हें फल दे सकता हूँ। मदन, ये दूसरा पेड़ क्या कह रहा है, ये तो सिर्फ हमें फल दे सकता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इस पेड़ से सोना चांदी चाहिए। केशव, तुम्हें मुझसे सोना चांदी चाहिए? हाँ पेड़, मुझे चाहिए। तो फिर आओ और मेरे पेड़ का दरवाजा खोलो, और जितना मन हो उतना सब कुछ ले लो। यह सब देख मदन केशव से कहता है, केशव रुको, ये तुम क्या कर रहे हो, इतना लालच ठीक नहीं, हम इस दूसरे पेड़ की बात मान लेते हैं, और फल लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। नहीं मदन, मुझे फल नहीं चाहिए, अगर मुझे फल ही लेने होते तो मैं काम के लिए शहर क्यों जाता, तुम्हें फल चाहिए तो तुम ले लो। केशव पेड़ से सोना चांदी लेने के लिए पेड़ के अंदर जाता है। अरे वाह, मजा आ गया, मैं तो माला माल हो गया, अब मैं भी अमीर हो जाऊंगा, और अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर केशव खुशी से अपने घर जाने लगता है। मदन के बार बार कहने पर भी केशव मदन की बात नहीं मानता, और दूसरा पेड़ मदन से कहता है, मदन, तुम मुझे एक अच्छे व्यक्ति लगते हो, क्या तुम्हें मेरे पेड़ से फल चाहिए? हाँ पेड़, मुझे तुम्हारे पेड़ के फल चाहिए। मदन, तुम चाहते तो उस दूसरे पेड़ की बात मानकर उससे सोना चांदी मांग सकते थे, लेकिन तुम्हें मेरे फल ही चाहिए। मदन, आओ मेरे पेड़ का दरवाजा खोलो, और उसमें से सारे फल ले लो, और हाँ, इसमें से एक सेब तुम अपने घर के बाहर लगा देना, फिर यह पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तब तुम्हें इससे बहुत सारे सेब मिलेंगे,
और तुम उन फलों से अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। मदन यह सब सुनकर बहुत खुश होता है और पेड़ को धन्यवाद करता है। पेड़, तुम सच में एक अच्छाई का पेड़ ही हो, सबके साथ अच्छा करने का सोचते हो। जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मदन सेबों को लेकर अपने घर जाता है और एक सेब अपने घर के बाहर लगाता है। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा हो जाता है और मदन सेबों को बाजार में बेचने जाता और मदन के सारे सेब बिक जाते। धीरे धीरे मदन सेबों का व्यापारी बन जाता है। अब मदन बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन मदन अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी उसे वहीं पर केशव दिखाई पड़ता है जो बहुत ही भूखा होता है। अरे ये तो केशव है, लेकिन ये इस हालत में और यहाँ? मदन केशव के पास जाता है। केशव, तुम यहाँ और ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? केशव मदन को देखता है और वह अपनी बीती बात मदन से कहता है। मदन, क्या बताऊँ तुम्हें, मैंने उस बुराई के पेड़ की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। केशव, मैंने तो तुम्हें उसकी बात मानने से बहुत रोका, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। देखो, मैंने उस जादुई अच्छाई पेड़ की बात मानी और आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुम बताओ कि हुआ क्या? मदन, उस दिन जब मैंने उस पेड़ से सारे सोने की चीजें ली, फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गया और कुछ दिनों तक मैं बहुत खुश रहा। मैंने उस सोने चांदी से बहुत अमीरों वाली जिंदगी जी। फिर एक दिन मेरे घर के पास जमींदार के घर से चोरी हो गई और उसने पूरे गांव में सबके घरों में देखना शुरू कर दिया और उसे मेरे घर में जो सोना चांदी मिला उसने वो सब अपना समझकर मुझसे वो सब छीन लिया और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने उस बुराई के पेड़ की बात मानकर अपनी जिंदगी की बर्बादी खुद ही कर ली। नहीं केशव, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब तुम मेरी बात मानो। हाँ मदन, अब तुम जो कहोगे मैं वो ही करूँगा। तो फिर ठीक है, तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और ईमानदारी से अच्छे कामों में अपना मन लगाओ, फिर देखो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा।